हर महादेव, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं मनीष सिंह तो आपको सूचित कर रहा हूँ कि 20 दिसंबर को 20 दिसंबर को एक बैठक रखी गई है, बैठक बुला गए हैं, जिसमें तमाम मुद्दे पे चर्चा होगी। आगामी पंचायत चुनाव से लेकर हमारा मजबूती के साथ, एकीकरण के साथ मुख्य मुद्दा ये रहेगा कि 26 जनवरी आने वाले हैं, 26 जनवरी में किस तरीके से एक भव्य रैली होगी, तो उस भव्य रैली में आप सभी का विचार चाहिए। उसके लिए जिसके लिए क्या मैनेजमेंट होगी, किस तरीके से होगी, तो इस पे विचार तो आप सभी को सूचित किया जा रहा है कि उस दिन आइएगा। दूसरी बात, हमारे SM कॉलेज पे, हाँ दूसरी बात ये कि आगामी पंचायत चुनाव है जो कि अप्रैल मई में हो सकते हैं। पंचायत चुनाव, हम जानते हैं हमारा समाज तभी बदलेगा, हमारा देश तभी बदलेगा, अपना घर का मुखिया, समाज का मुखिया ठीक होगा, क्योंकि ऊपर से जो आएगा यहाँ तक, तभी जो ऊपर से गिरेगा किसान के पास तभी पहुँचेगा, जवान के साथ युवा के पास, जब ऊपर में बीच में कोई ट्रैप नहीं कर लेगा, बीच में कोई कैचअप नहीं कर लेगा। तो हमें सबसे पहले मैं से प्रतिनिधित्व को चुनना है, तो इस हमारा उस पर भी बातचीत चलेगी कि आगामी पंचायत चुनाव में किस प्रकार का जो समाज हित में हो उसे चुना जाएगा, जो समाज हित हो, जो समाज के हित के लिए निरंतर काम करता हो, अपनी आवाज़ बुलंदी करते हो, जो जिनकी विचारधारा समाजवाद की हो, समाज हित में हो, राष्ट्र हित में हो, उन्हें चुना जाएगा। चाहे वो किसी तमाम दरभंगा जिला में जितने भी पंचायत हैं, पंचायत चुनाव में आप लोग को ये करना है। हमारे राष्ट्रीय बजरंग दल की भूमिका पंचायत चुनाव में क्या की होगी, भूमिका होगी जो उचित है, जो ये नहीं है चलो चलो पंचायत चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे ऐसे नेताओं को बोल दिया या ऐसे ऐसे लड़ने वाले को बोल देता हूँ, सावधान हो जाइए, चलो चुनाव लड़ते हैं, ये कोई गुड्डो गुड़ियों का खेल नहीं है। हमें पंचायत में हमारी भागीदारी जो होगी, ऐसे आदमी को चुना जाएगा जो कि हमारे समाज के लिए उचित होगा, हमारे समाज के हित में काम करेगा, और हम अपना राष्ट्रीय बजरंग दल अपना मैनिफेस्टो रखेगी हर एक पंचायत के लिए। और उसके बाद जिस पंचायत में जिस प्रतिनिधित्व को, कोई मुखिया के लिए लड़ना चाहता है, कोई सरपंच के लिए, जैसे कि अभी आया था, अभी ने सरकार ने नल जल में तो आप जानते हैं कितने घोटाले हैं, तमाम मुखिया, तमाम ये सब सचिव सरपंच, तो एक लड़के ने बोला था कि मैं यहाँ से हूँ, ये पंचायत से कॉल कर देता हूँ पटना, ये के शिकायत दर्ज करा देता हूँ, तो ऐसे ऐसे से नल जल का यहाँ नहीं हुआ ना। बोला एक बार ठीक है, इसके लिए हम आपका साथ हूँ, लेकिन एक बार पहले मुखिया से मिल लीजिए कि क्या होगा, कि हम आपको समय दे रहा हूँ इतना दिन, 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ता, 2 हफ्ता में हुआ काम हुआ, नहीं हुआ तो आगे जाएगी कार्रवाई होगी। राष्ट्रीय बजरंग दल की ये भूमिका रहे, उचित जो समाज हित में हो उस आदमी को चुना जाए, उस आदमी को चुनेंगे जो समाज के लिए, जिनका विचारधारा हमें पसंद हो, उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। दरभंगा जिला के जितने भी पंचायत हैं उनमें पंचायत चुनाव में हमारी भागीदारी, इस पे लेके बातचीत होगी। और ये गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है, जो कोई चाहते हैं हम पंचायत चुनाव लड़ें, हम पंचायत चुनाव लड़ें, हाँ सबसे पहले जो जो नया है उनको मौका दो, युवा को मौका देना चाहिए, पंचायत चुनाव है ये नहीं है। हमारा समाज जब बदलेगा, हम जब खुद सुरक्षित होंगे, तब हमारा समाज, तब हमारा देश, हमारा घर, तो ऐसे करना होगा। अच्छे आदमी को मौका दिया जाए जो समाज के हित में हो, उसके लिए हम, जो नहीं है समाज के हित में
जो केवल ठगी करता है, ठगबंदन करता है, जो बिचौलिया का काम करता है, तमाम मुखिया हो, सरपंच हो, सचिव हो, दिस हो, जात हो, तो वार्ड मेंबर हो, ये हो, तो तमाम का तबादला होगा, तमाम को बदलना चाहिए, तमाम के विरोध में आवाज लगेगी, जितने भी हो। आपने क्या काम किए हैं समाज के लिए, उचित में क्या किए हैं, समाज को क्या दिए हैं, मुखिया बन के आपने क्या किए हैं, कुछ दिए हैं बेटियों के लिए, नारी शक्ति के लिए, कुछ युवा के लिए, कुछ किसानों के लिए, कुछ मजदूरों के लिए, कुछ पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं, पंचायत की अपनी जो योजना होती है तो उस पर राष्ट्रीय बजरंग दल अपना मैनिफेस्टो रखेगी आगामी पंचायत चुनाव पे, और उस पर जिससे अच्छा लगेगा, सुटेबल लगेगा, उससे स्वतंत्र रूप से हम लोग चयन किए किए करेंगे। तो इसके लिए बैठक होगी, आप सभी भगवा वीरों से ये किया जाता है, सूचित किया जाता है कि 20 दिसंबर को अवश्य आए हमारे एसएम कॉलेज को, समय बतला दिया जाएगा 20 न समय क्या 12 बजे बाद ही होगा, क्योंकि तो धूप का हो जाना चाहिए, जो कुहसा नहीं रहना चाहिए उस, तो आप सभी को सूचित किया जाएगा। हर हर महादेव, जय हिंदुरा, जय श्री राम।